वहीं जयपुर में पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वीरांगनाओं और बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल से बदसलूकी को लेकर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। जयपुर में पार्टी मुख्यालय से सहकार भवन की ओर निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों ओर से जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक मदन दिलावर पुलिस जवानों के पैरों में लग गए। बैरिकेड पार करने के प्रयास में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के पैर में चोट लग गई। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर हो रही सभा के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभा की। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद घनश्याम तिवारी समेत कई नेता मौजूद थे। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर कभी भी और किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करने का काम किया और सुप्रीम सैक्रिफाइस जिन्होंने किया है, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग जो इस देश के कारण शहादत उन्होंने दी है, उन लोगों की तुलना करना ही संभव नहीं है। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं, उनको सहयोजे रखना, उनको मान सम्मान देना, उनके हर तरह मदद करना, ये हर सरकार, हर संस्था, हर नागरिक, हम सभी का कर्तव्य है। बीजेपी तो सियासत कर रही है, लेकिन जहाँ तक डाक साहब का सवाल है, डाक साहब ने दिल से ये मुद्दा उठाया और मुद्दा लगभग तय भी हो गया था, सब कुछ बात भी हो गई थी। उसके बावजूद कई बार ऐसे गतिरोध आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो शॉर्ट आउट नहीं हो पाई प्रॉब्लम। लेकिन ये तय मानकर चलिए, सरकार ना तो शहीद परिवारों से के मामले में पीछे रहना चाहती है। शहीद परिवारों को लेकर यदि कुछ और भी हमें करना पड़े तो उसके लिए भी हमारी जान हाजिर है। शहीद परिवारों का हम बहुत सम्मान करते हैं। जहाँ तक एक शहीद परिवार की पत्नी की विधवा विडो है, वो हेमराज मीणा वाली, तो उनके दो मूर्ति लग चुकी है, तीसरी चाहती है लगा देंगे, कौन मना कर रहा है। मैं खुद यस कर चुका हूँ और इस मामले में ना चीफ मिनिस्टर, हालांकि अब मामला चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी देख रहे हैं, मेरा रोल नहीं है अब इसमें, लेकिन फिर भी इस मामले में मैं कैबिनेट में सीएम साहब से बात करके और हम स्ट्रिक्ट बात करके और लगा देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें। अब देवर की नौकरी का सवाल है, इसमें रूल्स रेगुलेशन अपनी जगह है, उस पर भी रास्ता निकल गया था और वहाँ पर उसके बाद कहीं गतिरोध जो आया, वो पहले जो डिमांड्स थी उसके बाद एक लास्ट में डिमांड आ गई पुलिस वाली, तो उसके बाद ये गतिरोध हो। देखिए, जो मैंने पढ़ा है कि नौकरी की मांग रही हैं, मुख्य रूप से नौकरियां ख़त्म करने का काम केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार को अब तक इनको नौकरी दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार या भाजपा ने उनको उकसाया है। ये जो सैनिक हैं, सैनिकों का कितना सम्मान इनकी नज़र में है कि अगर उनको नौकरी दिया होता तो उनके घर के वाले और पत्नियां इस तरह से बेबस होकर के वहां धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। ये मोदी जी को इसका समाधान निकालना चाहिए। जिस प्रकार से निर्मम वहां पर मारपीट की गई, जिस प्रकार से उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस प्रकार से मीना साहब के साथ जो व्यवहार किया गया है, वो स्पष्ट दिखता है कि वहाँ की सरकार का रवैया जो पुलवामा में जिनकी डेथ हो गई, जो शहीद हो गए, उनके प्रति क्या है, उनके परिवारों के प्रति क्या है। और ये सिर्फ गहलोत साहब नहीं, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का आदेश पर वह कर रहे हैं और ये स्पष्ट दिखता है कि पुलवामा के जो लोग शहीद हुए उनके प्रति एक निरादर है। वीरांगनाओं के उनके अपने लोक हित के मुद्दे थे, उनके निजी मुद्दे भी थे जिस पर समाधान मांगी जाती थी, लेकिन इतने दिन तक अलबत्ता तो सरकार ने न तो कोई रुचि दिखाई, न संज्ञान लिया और न कोई सकारात्मक पहल की। उनके मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के जो सियासी बयान है वो जरूर तैरते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दमन चक्र में
बुजुर्ग सांसद को भी जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, एक वंचित महिला सांसद को जिस तरीके से कल जब वो वीरांगना से मिलने गई अपने क्षेत्र की, उसको प्रताड़ना देने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के इशारे पर इस तरीके का दमन चक्र ये राजस्थान में पहली बार देखा। ऐसा लगता है कि अघोषित आपातकाल किस्म के जैसा शासन यहां पर लागू है। चलिए, तो एक तरफ ये प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं आखिर वीरांगनाओं की मांगें क्या हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वीरांगनाओं ने आखिर क्या मांग की है। परिजनों को सरकारी नौकरी मिले, ये मांगे की गई हैं वीरांगनाओं की ओर से, जिनकी ओर से जो धरना है वो किया जा रहा है, जो विरोध कर रही हैं, और इसके साथ ही शहीदों की प्रतिमा बनाने के लिए भी वो लोग आग्रह कर रही हैं सरकार से, राजस्थान सरकार से। हालांकि उन्हें इंतजार है कि कब आखिर मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे। देखिए, एक तरफ वो ये भी मांग कर रही हैं कि शहीदों के नाम से सड़क निर्माण भी किया जाए, ताकि जो उनकी शहादत है उसे आजीवन हर कोई याद रख सके।